तो गाइस आज है मेरा लास्ट डे अहमदाबाद में एंड मैं सुबह सुबह रेडी होकर निकल गई हूँ अपने ऑफिस के काम के लिए। मैं जा रही हूँ अहमदाबाद के गांव में। जी हाँ, आप देख भी सकते हैं ये फील्ड्स हैं पूरे मेरे आगे पीछे एंड अहमदाबाद सिटी में भी विलेजेस हैं। तो गांव में जाते हुए रास्ते में हम लोग को ये स्वामी नारायण मंदिर दिखा जिसमें कि हमने विजिट किया एंड ओ माय गॉड, आप देख सकते हो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतना ज़्यादा एस्थेटिक और क्या आर्किटेक्चर था, मतलब अमेजिंग। आई वॉज टोटली अमेज्ड। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, लुक एट दिस। फिर मैंने आज तक नहीं देखा लिटरली, मतलब अक्षरधाम भी गई बट इतना बड़ा नहीं था। लुक एट दिस। इतनी ज्यादा डिटेलिंग से बनाया हुआ है ये। ये भी स्वामी नारायण का टेंपल है। धूप देख रहे हो आप, 33 डिग्रीज टेम्परेचर है। तो यहाँ मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग अपना काम निपटाकर वापस निकल गए एंड जाते ही मैंने अपने होटल के नीचे वड़ा पाव खाया। आज आई हूँ मैं नीचे, थर्ड डे है मेरा। मैंने सोचा था पहले टैटू करवाऊंगी बट अब मैं सोचू रहने देती हूँ क्योंकि मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे वड़ा पाव खाया मैंने, यहाँ पे कुछ देखती हूँ कुछ अच्छा मिल जाए। वाली आइसक्रीम थी वो तो नहीं ली मैंने, चाय वाय पीने का मन कर रहा है। तो यहाँ पास में मुझे चाय का ठेला मिल गया जहाँ से मैंने सबसे पहले तो चाय पी कड़क, उसके बाद ये वहाँ पर एक शॉप थी जहाँ पर ये नमकीन वगैरह फेमस गुजरात की सारी अवेलेबल थी एंड मैंने भी कुछ विंडो शॉपिंग की। इतनी वैरायटी थी यहाँ पर स्नैक्स की तो मैं तो टोटली कन्फ्यूज़ हो गई थी एंड फाइनली एक घंटे के बाद जाकर मैंने ये दो फाइनल किए। आ गई मैं रूम पे फाइनली और ये दो चीज़ें ली मैंने और मैं दोनों के नाम भूल गई। इसको पता नहीं वो कुछ बोल रहे थे, ये साउथ इंडिया का है, मीठा सा है ये, इसको कुछ बोला था मैं भूल गई। डायमंड कुछ बोल रहे थे, वो गुड़ वाला कुछ बोल रहे थे और ये वाला इसका नाम तो मैं पूरी तरह से भूल गई, पता नहीं क्या था ये बट नमकीन जैसी है। थोड़ा थोड़ा ही लिया मैंने, मेरे रूम पे चीज़ें पड़ी रहती हैं, कभी कभार कोई आ जाए चाय वाय के लिए। बस अब मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। आज पूरे दिन मैं फील्ड पे गई थी, गांव में गई थी एक, बहुत थक गई हूँ और आज भयंकर टैनिंग हो रखी है मेरे हाथ पांव सब जगह। अब दिल्ली जाके इलाज करूँगी मुल्तानी मिट्टी लगा के। तो रेस्ट करने के बाद मैं शाम में निकल गई अहमदाबाद को एक्सप्लोर करने एंड जिस जगह पे मैं रह रही थी उसी के आसपास ये ताज होटल था एंड मैंने सुना था कि इस ताज होटल के पास एक जगह है फ्रिस्बी करके जहाँ पर एकदम सभी रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, खाने का काफ़ी अच्छा है। तो मैंने भी वहाँ पर विज़िट किया। तो इस तरह का ये दिखता है, इसकी एंट्री इस तरह की थी एंड गाइस मैं संडे को विज़िट कर रही थी तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, सारे बैचलर्स निकले हुए थे बाहर, तो बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग जगह लगी मुझे। एंड अगर आप लोग कभी भी अहमदाबाद जाते हैं तो इस वाली जगह पर ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही अच्छी वाइब थी इस जगह की। A few hours later. तो गाइस नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फटाफट से चेकआउट करके होटल से मैं गई ये नीचे शॉप में, भाई का सबसे बड़ा वड़ा ऐसे करके कुछ शॉप थी एंड यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट किया। A few moments later. तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था मेरा एंड उसके बाद मैं मिली अपने गुजराती फ्रेंड से जो कि वडोदरा में रहता है एंड वो मेरे से मिलने आया था। तो उसके साथ मैं गई ताम झाम करके, एक रेस्टोरेंट है, अगेन ये बारबेक्यू नेशन जैसा है,
अनलिमिटेड फूड मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अच्छा खासा लंच करने के बाद हम लोग गए रिवर फ्रंट, फ्लावर पार्क एंड अटल ब्रिज, ये सारे साथ साथ में हैं, यहाँ पे विजिट किया। क्या है, क्या बड़ा है क्या ये ब्रिज, मतलब? हाँ, बहुत। अच्छा, तो ये कनेक्ट किसको करता है? उससे दूसरी जगह। अच्छा, तो रिवर फ्रंट के अंदर एंट्री के लिए भी टिकट है यहाँ पर, एंड यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी हैं, प्राइजेस वगैरह लिखे हुए हैं। तो टिकट लेते सबसे पहले हम लोग ने विज़िट किया अटल ब्रिज, एंड ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, मतलब कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा है, ये जो एक्चुअल में ये सुंदर लगता है ना, वो कैमरे में नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। लिटरली मस्ट विज़िट प्लेस है अहमदाबाद की। अगर ये तो चलो ठीक है। नाइस, ये वो लग रही है तोरी तोरी है ना। ओ, इतने सारे कैक्टस हैं अलग अलग टाइप के। मैंने बॉटनी पढ़ी हुई है और मेरे को ये सारे नाम नहीं पता बट अभी तक। ब्राज़ील, ये मेक्सिको, सारे अलग अलग तरह के, पर ये कोई क्यों लगाएगा? हाँ, इसको कैक्टस को कोई क्यों देखेगा? फूल वाले लाएंगे ना इधर, बॉटनी वाले फूल में से भी जाते हैं ना इधर। अच्छा, जगह घूमने के लिए फ्लावर नाम की तो कोई चीज नहीं है इधर। ये क्या है इसके ऊपर? अच्छा, वो नीचे वो है, लोहे का है। चलो कैक्टस वैली से। तो यहाँ फ्लावर पार्क से हम लोग निकल गए क्योंकि यहाँ फ्लावर नाम की कोई चीज़ नहीं दिखी, एंड वापस से हम लोग ने अटल ब्रिज देखा, एंड उसके बाद वापस हम लोग निकल गए। तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोग लास्ट एक मॉल में गए, पास में ही था, और इसका भी अगेन मुझे नाम याद नहीं है। तो यहाँ पर गए हम लोग ने यहाँ चाय वगैरह पी क्योंकि मेरी फ़्लाइट को टाइम था, अभी 5:30 हो रहे थे एंड मेरी फ़्लाइट 8 बजे की थी। तो टाइम पास करने के बाद 6:30 बजे के आसपास मैं निकल गई एयरपोर्ट के लिए, एंड मेरे फ्रेंड ने मुझे ड्रॉप किया एयरपोर्ट पे एंड वो वापस चला गया। 6:30 बज रहे हैं, 8:30 बजे की फ़्लाइट है मेरी। हो गया मेरा पूरा चेक इन वेक इन सब, मुझे जाना है गेट नंबर 1 पे, ये है 8। मेरी फ्लाइट हो गई है डिले, 1 घंटा डिले हो गई, बताओ। तो 1 घंटा वेट करने के बाद फाइनली हम लोग ने बोर्डिंग की, एंड ये फ़्लाइट थी मेरी विस्तारा, एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इसका एक्सपीरियंस रहा है मेरा। इन्होंने एयरफोन्स वगैरह भी दिए थे एंड खाना भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग था यहाँ का। तो 1.5 घंटा फ़्लाइट में टाइम पास करने के बाद मैं फ़ाइनली पहुँच गई दिल्ली, एंड 4 दिन बाद मैं पहुँची हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। और दिल्ली में पहुँच कर तो एक और सरप्राइज़ मिल गया, यहाँ पर हो रही थी बारिश एंड इतना ज़्यादा अच्छा मौसम, इतना ठंडा मौसम हो रखा था। बैग पकड़ना है मेरा अपना, बहुत थकावट होगी, फ्लाइट भी इतनी लेट 12 बजे पहुंची है, जाते सो जाऊंगी यार मैं, सुबह फिर से ऑफिस भागना है। बिग डे की फ़्लाइट्स का यही सीन है और ऊपर से लेट नाइट, एक तो लेट हो गई ऊपर से बैग यहाँ पे। बैग कलेक्ट करने के बाद फटाफट से मैंने कैब की एंड मैं निकल गई अपने रूम के लिए।